नमस्कार, मैं विवेक कुमार राय, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के कटिहार जिले में बिजली बिल अधिक आने को लेकर वहां की जनता प्रदर्शन कर रही थी, तभी पुलिस और जनता में झड़प हो गई। पुलिस को काबू करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और एक लोग घायल हो गए। उसके बाद और प्रदर्शन जो है कि उग्र हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बल और बगल के जिलों से मिलाया और फिर हालात पर काबू पाया। इसी दौरान प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। वो हर जिले में जाके जो है कि सरकार के द्वारा की जा रहे योजनाओं की जो भी योजना है वो किस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही है, मतलब वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है कि चाहती ही नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे ले जाने का काम कर रही है। मौजूदा सरकार जो इस समय बिहार में है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो जनता का ख्याल नहीं रखी। इसी दौरान बिजली बिल को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, अभी तक 10,000 से अधिक गांव में गया हूं, वहां की लोग आके हमसे बताते हैं कि बिजली गाँव में आती नहीं है और बिजली ना आने के साथ भी बिल भी आता है और बिल इतना अधिक आ रहा है कि जो कि हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है जिससे वो बिल आए, और बिजली बिल ना जमा करने की वजह से हमारे ऊपर फौजदारी का केस भी दर्ज किया गया है जिसके चलते हम घर को छोड़ दिए हैं। बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और बढ़े बिल का आना, हर गाँव में लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नजर में उनका जो बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे अभी तक 6,000-8,000 रुपए से लेकर 1,25,000-1,50,000 रुपए तक वाले बिल वाले लोग भी मिले हैं। एक बार गलत बिल आ गया तो लोग का बिजली का कनेक्शन कट जाता है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं, कई लोगों पे तो फौजदारी का भी केस हो गया, लोग अपना घर और छोड़कर भाग गए, ऐसे लोग भी मिले। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपसे कोई टिप्पणी नहीं की, वो इसलिए नहीं की है कि जहाँ तक हम लोग चले हैं ज़्यादातर हम लोग गाँव में चलते हैं, तो मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों की स्थिति पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं वहाँ गया नहीं हूँ। लेकिन जिन गांव पंचायतों में हम लोग गए हैं जहाँ पर सरकार के हिसाब से सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कहीं एक भी काम नहीं कर रहा है। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले छात्र जो है कि नौकरी मांग रहे थे तब सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाई थी, अब लोग अपनी जायज मांग बिजली की मांग कर रहे हैं कि समय पर आए और सही बिल आए, तब जाके सरकार फिर से उन पे गोली चलवा रही है। इस सरकार को पूरी तरीके से जंगल राज आ गया है, प्रदेश एकदम पीछे जा चुका है। जब BJP की सरकार थी तो प्रदेश का विकास तेजी से होता था, लेकिन नीतीश और राजद दोनों यानी JDU और RJD मिलकर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं।